नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी, आप बोले भारत देख रहे हैं। 67वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। हम मौजूद हैं महारानी जानकी कुंवर कॉलेज बेतिया में, लेकिन एक बात हम आपको आज बताने वाले हैं, क्योंकि अफसर के लिए ये एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम से बिहार में अधिकारी क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन आप सोच के दंग हो जाएंगे कि हमारे बिहार के ऐसे अभ्यर्थी अधिकारी बनेंगे जो माइक पे बोलने से डरते हैं। कुछ विजुअल दिखा रहे हैं हम आपको, देखिए किस प्रकार से हम जब माइक लेकर जाते हैं तो महिला हो या पुरुष हो, जो बीपीएससी का पीटी देने आए हैं, ये अधिकारी बनेंगे लेकिन माइक देख के भाग जाएंगे। तो बाद में जब ये अधिकारी बनेंगे और इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी और जब इनके सामने मीडिया जाएगा तो ये क्या बात करेंगे, ये कैसे अधिकारी बनेंगे जो मीडिया का माइक देख कर भाग जाते हैं। अभी इनका ये हाल है तो बाद में इनका क्या होगा, जरा सोचिए और अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे अभ्यर्थियों का क्या होने वाला है। मीडिया का माइक देख के भागने वाला व्यक्ति क्या कभी अधिकारी बनेगा, और अधिकारी बनेगा तो वो जिम्मेदारी कैसे निभाएगा, वो मीडिया का सामना कैसे करेगा, ये सवाल बड़ा है। मौजूद थे हम यहाँ पर, लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, बहुत लोगों ने बात किया लेकिन बहुत लोगों ने बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको माइक पे बोलने से डर लगता है। अब माइक पे बोलने से डर लगता है तो भैया बीपीएससी का एग्ज़ाम काहे लिए देते हो, मत दो एग्ज़ाम, छोड़ दो एग्ज़ाम, क्या फ़ायदा तुम्हारे अधिकारी बनने का जब तुम जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हो, जब तुम जिम्मेदारी से बोल नहीं सकते हो तो एग्ज़ाम काहे लिए दोगे, मत दो एग्ज़ाम, बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करोगे और मीडिया पे बात नहीं करोगे, चाहे महिला हो या पुरुष हो। जब आप अधिकारी बनते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, वो जिम्मेदारी निभाना होता है आपको, लेकिन कोई यहाँ जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा। और ऐसे लोगों को ना एग्ज़ाम देने का भी अधिकार नहीं है जो तैयारी करने के लिए नहीं सिर्फ घूमने के लिए परीक्षा देते हैं। सोचिएगा और अंदाज़ा लगाइएगा, क्या ये अधिकारी बनेंगे तो कहियो जिम्मेदारी निभा पाएंगे, क्या आपके सवालों का जवाब दे पाएंगे, ये सोचिए और अंदाज़ा लगाइए। और आप सोचिए कि ये लोग अब एग्ज़ाम देने लायक हैं या नहीं। बात हम आपके सामने इसलिए ये रख रहे हैं क्योंकि हम तो आए थे बात करने उन लोगों से जो आगे जो फ्यूचर में कोई अभ्यर्थी एग्ज़ाम देना चाहता होगा, शायद इनसे कुछ सीख लेगा, थोड़ा अनुभव साझा होगा, थोड़ा कुछ बताएंगे, लेकिन ये भागते हैं तो फिर ये क्या कुछ करेंगे, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं करेंगे। ये लिख के ले लीजिए, जो जिम्मेदारी नहीं निभा सकता ना वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ये हम आपको लिख के दे सकते हैं। बेतिया का महारानी जानकी कुंवर कॉलेज है, यहीं पर हम बात करने आए थे, लेकिन यहाँ पर अधिकतर ऐसी महिला अभ्यर्थी मिली जो बात करने से भाग गई। अब बताइए अगर आगे चल के अधिकारी बन गए तो आप किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाइएगा। लाखों सवाल जनता के आपके सामने आएंगे, लाखों सवाल मंत्री के, विधायक के, सांसद के आपके सामने आएंगे, क्या कीजिएगा उस समय, बड़ा सवाल लगेगा आपके ऊपर। क्या आप खुद सोचिए कि जवाब देने से भागना क्या एक सही अधिकारी की निशानी है। आज हम जाते हैं जब कभी किसी मुद्दे को उठाते हैं, जनता के मुद्दे को, और जब अधिकारी जवाब नहीं देते तो हम खूब गलियाते हैं कि ये जवाब नहीं दे रहा है, मीडिया के सामने भाग रहा है। आपके जैसा लोग अधिकारी बनेगा तो यही होगा। खैर देखते हैं आगे जो भी कुछ होगा, वो तो भगवान के हाथ में है और कुछ उनके हाथ में है। तमाम अपडेट हम देते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।